ये देखिए मेरे पीछे ये है बालू, बालू अभी छू रही हूँ, पता नहीं इसकी इजाज़त मुझे मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बालू बहुत महंगा है। मुझे छूने के लिए मना कर रहे हैं भैरव जी, कह रहे हैं कि बालू मत छूइए बहुत महंगा है। भैरव जी बालू कैसे दे रहे हैं? 100 रुपया किलो बेच रहे हैं मैडम। 100 रुपये किलो, क्या हमारे लिए थोड़ा कम होगा? देखिए मैम, आप जानते हैं झारखंड में स्थिति क्या है, आप लोग क्या जनता में समाज में किसी भी लेक के लिए बालू का दाम कम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी घर बनाने का अधिकार, डेवलपमेंट करने का अधिकार केवल उन्हीं को है जो या तो अरब खरबपति हैं या तो वर्तमान जो सरकार है माननीय हेमंत जी का जो सरकार है उसके कोई ना कोई सगे संबंधी है, उसके समर्थन देने वाले लोग में से उनके परिवार के कोई लोग है, वही केवल घर बना सकते हैं, गरीब आदमी घर नहीं बना सकते। जी एक बैनर आपने लगा रखा है, बालू चोर हेमंत सरकार, क्या बात है? हेमंत जी से बड़ा नाराज? नाराज जनता है, नाराज समाज है, नाराज पूरा झारखंड है, नाराज झारखंड का प्रत्येक व्यक्ति है। आप सोचिए कि जो गरीब व्यक्ति है, जो समाज में और छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, फुचका बेचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, रोड में नाली साफ करने वाला, रोड में सुबह माताएं बहनें लोग जो झाड़ू लगा करके बहुत मुश्किल से अपना 2 टाइम का जो है रोटी कमाती हैं, वो माताएं बहनें और वो हमारे गरीब भाई क्या कभी बालू खरीद सकते हैं? आज झारखंड का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम अगर रुका हुआ है किस लिए? बालू नहीं मिल रहा है। झारखंड में जहां बालुओं की नदियां बहती है वहां बिहार से बालू लाया जा रहा है और ब्लैक में बेचा जा रहा है। अबुआ सरकार में, अबुआ आवास में आवंटित होने वाले लोगों को वादा किया गया था कि 100 रुपये में 1 ट्रैक्टर बालू देंगे, 8,000-10,000 रुपये ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। ये देखिए 3,500-4,000 रुपये मैं खरीद के लेके आया हूँ बेचने के लिए ताकि समाज जागरूक हो, और 100-100 रुपये किलो बेच रहा हूँ, लोग लाइन लगा करके खरीद रहे हैं। ये बालू की स्थिति है झारखंड में। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? विरोध प्रदर्शन तो है ही, ये मैसेज क्या? समाज में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, इस भ्रष्ट सरकार के बारे में जानने की आवश्यकता है। ये जो भ्रष्ट सरकार केवल अपना पैकेट भरने का काम कर रही है, इतना सारा खनिज संपदा होते हुए, गाय कोयला हो, अब्रक हो, बालू हो, चीनी मिट्टी, जितना चीज़ मिला जाता है झारखंड में कोई भी क्षेत्र में, अगर किस बेच करके इसको अगर किसी का पैसा में पेट जेब गर्म हो रहा हो तो केवल हेमंत सरकार के लोगों का। तो देखिए ये छोटे से ऑटो में बालू को आप देख रहे हैं, और भैरव जी बता भी रहे हैं कि 3,500 रुपये में इन्होंने खरीद के लाया और किलो 2 किलो के भाव से बेच रहे हैं। अभी देखिए यहाँ खरीदार हैं जो बालू खरीदेंगे और 100 रुपये लेकर आए हैं, ये 100 रुपये किलो बालू, ये इनका विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है। और आप देखिए भैरव जी खुद ही तराजू लेकर बालू को तोल रहे हैं और इस वक्त वो देंगे, ग्राहकों से बात करेंगे और समझेंगे। अच्छा क्या ज़रूरत है बालू खरीदने का, 1 किलो बालू का क्या करिए? मंदिर बनाना है। मंदिर बनाना है, 1 किलो बालू से हो जाएगा? 1 किलो बालू से नहीं होगा, लेकिन 1-1 किलो करके इकट्ठा करके रखेंगे, और उसके बाद जब बहुत सारा बालू हो जाएगा फिर सीमेंट खरीदेंगे, उसके बाद में मंदिर निर्माण करेंगे। इतना महंगा 1 किलो बालू क्यों? अब सरकार इतना दाम बढ़ा दिया तो क्या कर सकते हैं, खरीदना तो पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसे। यहाँ पे और भी खरीदार हैं, देखिए क्या 1 किलो बालू खरीदे? 2 किलो। 2 किलो खरीदे हैं, बड़े अमीर लग रहे हैं आप, 2 किलो बालू खरीद? मुरी भूंजेंगे। क्यों इतना महंगा बालू खरीदना? अब घर में चावल है, मुरी भूंजने के लिए बच्चा लोग परेशान कर रहा है, अब बालू तो मिल नहीं रहा है। पहले बरसात में रोड में बालू बह के आती थी, पहले रोड को हम लोग झाड़ू लगाते थे, अभी तो नगर निगम झाड़ू लगवा रही, हम लोग लगाते थे तो कम से कम 1 डलिया निकल जाता था बालू, अब नहीं निकल रहा, तब तो खरीदना पड़ रहा है। तो यहाँ एक पोस्टर जो है ये लगाकर रखा गया है, अबुआ आवास बबुआ सरकार, दलालों का राज, बालू चोर हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, जो सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह जो हैं वो ये लगा रहे हैं। उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन का तरीका जताया है कि कैसे बालू राज्य में महंगा होता जा रहा है, आम निर्माण से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तक जो हैं वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं। महंगा होने के कारण लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, लोग घर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बालू इतना महंगा हो गया। और सबसे बड़ी बात, महंगा होने के बावजूद भी बालू मिल नहीं रहा है, दूसरे राज्यों से बालू मंगवाना पड़ रहा है। उसी का एक विरोध प्रदर्शन करने का यह तरीका था कि 100-100 रुपये किलो यहाँ बालू बेचकर उसकी महंगाई को दिखा रहे हैं भैरव सिंह कि बालू राज्य में कितना महंगा हो चुका है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। द फॉलो अप डॉट इन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
www.thefollowup.in.